हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले आप हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनको सीख सकें, और बेल वाले आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में प्रैक्टिस के महत्व के बारे में, यानी इम्पोर्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस इन लाइफ, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास करना, मतलब किसी चीज़ की बार बार अभ्यास करना। मतलब तो फिर जब हम किसी भी, जैसे बोलते हैं, जब बंदा, जैसे हम अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो जैसे मान लो कोई बंदा डांस सीखता है, तो डांस सीखने से पहले आपको उसमें स्टेप्स होते हैं, मतलब डांस के स्टेप्स होते हैं, तो उनको आपको नंबर्स पे 1 2 3 4 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब जो भी स्टेप्स होते हैं उनको नंबर में डिवाइड किया जाता है। मतलब नंबर में कि इस वन पे हम ये ऐसे हैंड मूवमेंट करेंगे, फिर टू पे ये करेंगे, मतलब हर चीज़ को आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कर सही अलग अलग स्टेप्स की पहले आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे बोलते हैं, कोई भी जो डांस हम डांस का परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस डांस के अंदर जितने भी मतलब जो मूव्स होते हैं डांस के, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप के हम नंबर से पहले प्रैक्टिस करते हैं, और उन स्टेप्स को मतलब सारा जोड़ के फिर एक डांस परफॉर्मेंस रेडी होता है। तो कहने मतलब वो चीज़ किससे सफल होता है, होता है प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करने के बाद हमें किसी चीज़ की समझ आ पाती है कि जिस काम को भी हम अपने कर रहे हैं करेंटली, मतलब उसमें हम अभी कितना परफेक्ट हुए हैं, मतलब वो कितना परसेंट ओके है, कितना परसेंट अभी ओके नहीं है, या हम अभी कितने परसेंट मतलब कितना अभी हम उसमें अच्छे हो गए हैं, यह हमें प्रैक्टिस से ही मतलब पता चलता है। जैसे ही बोलते हैं, जब जैसे कि आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि मतलब कोई भी जब मैच स्टार्ट होता है, मतलब चाहे वो इंटरनेशनल हो, वनडे हो, 50-50 हो, या वनडे को ही वैसे 50-50 बोलते हैं, 20-20 होता है बीसीस ओवर का, और टेस्ट मैचेस भी होता है, तो मतलब चाहे हम किसी भी मैच को ले लें, मतलब तो जो जिस टीम के बीच भी मैच हो रहा होता है, वो मतलब लाइव मैच होने से पहले, जो एग्जैक्ट मैच होता है उसके पहले प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको पता चल पाता है कि हाँ, आप प्रॉपर तरीके से फिट हो कल वाला मैच खेलने के लिए, अगला मैच खेलने के लिए, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि हम अब अगले चीज, मतलब जो भी हम काम अगला करने वाले हैं उसमें हम सक्षम हो गए हैं या नहीं है, वो चीज़ हमें पता चल पाता है। तो प्रैक्टिस करने से हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से जान पाते हैं। इसलिए हमें, चाहे हमें कोई भी काम मिला हो, मतलब जैसे हम लोग, जैसे जब हम क्लासों में भी होते हैं, तो जैसे अगर हमारा कल एग्ज़ाम है या कल हमारा टेस्ट है, मतलब तो टेस्ट होने से पहले हमारे हमको बता दिया जाता है कि हमें जैसे ये चैप्टर्स वगैरह आएंगे, तो उन चैप्टर्स का पहले हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं, तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है फिर, तो जो भी क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं या वो चैप्टर आ गया, जैसे एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन तो कोई सा भी हो सकता है। तो अगर आप उसको सोच लो कि अरे कल देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कल कर लेंगे, लेकिन अगर जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब तो जैसे अगर 10 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, तो जो बंदे 1st, 2nd, 3rd होते हैं या टॉप 10 या टॉप 5 होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो उनकी खासियत क्या होती है अच्छे मार्क्स लाने की, वो लोग अच्छे से उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए पहले उन चैप्टर्स में, जैसे मैंने बताया 10 क्वेश्चंस हैं, तो वो पहले चैप्टर्स को पूरा पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 50% घुसेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो 70%, तीसरी बार पढ़ोगे तो 90%, और जब थर्ड टाइम पढ़ लोगे, फोर्थ टाइम, थर्ड, और एक ही चैप्टर का 4-5 बार पढ़ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर जो एक्टिविटी है या जो एक्शन हो रहा है किस फ्लो में हो रहा है, मतलब किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बाद जब उनको उस चैप्टर के अंदर जो एक स्टोरी चल रहा है या फ्लो चल रहा है उसके बारे में पता चल जाता है, देन वो उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो उस स्टोरी या उस चैप्टर से उठाया हुआ होता है। उसके बाद वो उन क्वेश्चंस को लेते हैं और वो फिर उसके जो आंसर वगैरह होते हैं उन आंसर्स को भी पढ़ते हैं, और आंसर को पढ़ने के बाद वो एक
खाली नोटबुक लेके या प्रैक्टिस या रफ नोटबुक लेके उन क्वेश्चन को लिखकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो कम से कम 4 से 5 बार करते हैं। ऐसा करने के बाद जब पहली बार करते हैं तो उनको दिखता है कि जो उसका आंसर मैच हो रहा है जो एक्चुअली गाइड में दिया हुआ या उसकी की बुक में दिया हुआ है, वो पहली बार लिखने में 15% आंसर मैच हो रहा है। सेकेंड टाइम उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर दिया, 65% हो रहे हैं। ऐसे करते हैं वो 3-4 बार करते हैं, तो फिर जब 4-5 बार कर लेते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के थ्रू जो उनका जो आंसर निकलता है वो 90 से 100%, 80 से 90% एकदम करेक्ट निकलता है। देन वो जब अगले दिन या जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता है वो उसको प्रैक्टिस देते या मतलब जो टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हीं बच्चों के जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, मतलब अच्छे प्रैक्टिस करने की वजह से उन बच्चों के जो नंबर्स वगैरह आते हैं उन सब्जेक्ट्स में 80 से 90% या 90 से 100 के बीच में आते हैं। आए क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के साथ उन्होंने अपने आप को मतलब चेक किया कि वो अभी मतलब कितने परसेंट लेवल पर हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू ही अपने आप को समझ सकते हो कि आपने जो अभी काम किया है उसमें आप कितने परसेंट तक ओके हो और कितने परसेंट ओके नहीं हो। तो जिसमें आप ओके नहीं हो उसमें आप उस चीज़ को फाइंड करो, देन उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और फिर से आप उसकी प्रैक्टिस करो। फिर आप देखोगे कि आपका जो लेवल 65 था और 35 बड़ा नीचे है, आप 35-25% पर आप आ गए हो। तो इस तरीके से आप 4-5 बार किसी भी चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो मतलब, तो प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है किसी भी चीज़ को करने का। मतलब फिर आप जो भी आपका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसको आप बिना प्रेशर के आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाओगे, और इसके जब आप एग्ज़ाम दोगे या टेस्ट दोगे तो आपके दिमाग पर कोई लोड भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आपने उस सब्जेक्ट के उस लेसन का अच्छे से प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रखी है। और ये कैसे हुआ? सब कुछ हुआ प्रैक्टिस के थ्रू ही। तो प्रैक्टिस ही हमारे पास ऐसा मतलब औजार है जिसको हम किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए मतलब हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस तरीके से जो जैसे हम वेडिंग वगैरह के जब शूट वगैरह देखते हैं मतलब, तो एग्जैक्ट हमें जिस जो उनकी टीम होती है फोटोग्राफर वगैरह की, तो जैसे वेडिंग का शूट करना है तो उन जैसे वेडिंग जैसे शूट करने से पहले जो कैमरा वगैरह होता है उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, उनकी प्रॉपर तरीके से आउटडोर इनडोर जैसा भी शूट है उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस की जाती है, और कैमरे की सेटिंग वगैरह देखा जाता है। जैसे कैमरे के सेटिंग के अंदर मुझे भी जैसे पता जाता है ISO होता है, वाइट बैलेंस होता है, शटर स्पीड होता है, अपर्चर होता है, इन चीज़ों को हमें पहले सेट करना होता है। फिर इन चीज़ों को सेट करने के बाद हमें देखना होता है कि हमारी जो शूट है वो इनडोर है या आउटडोर है, मतलब बाहर खुले आसमान के नीचे मतलब टेंट वगैरह लगाकर होगा या बंद हॉल के अंदर होगा। फिर उसके हिसाब से हमें उनकी सेटिंग करनी पड़ती है, और सेटिंग करने के बाद हमें उन चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो उनकी टीम होती है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है प्रैक्टिस करने के बाद और बढ़ रहता है, देन वो रेडी होते हैं एग्जैक्ट जो वेडिंग का शूट है जिस लोकेशन पर भी है या जिस डोर में भी इनडोर आउटडोर है उसका वो शूट करने के लिए रेडी होते हैं। और ये सब कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। तो दोस्तों प्रैक्टिस का अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है, तो इसीलिए जब भी हमें कोई काम करना चाहिए, चाहे वो हमारे स्टडी लेवल का क्यों ना हो, चाहे वो असाइनमेंट लेवल का ही हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का ही हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ सीखने का ही क्यों ना हो, जैसे डांस, सिंगिंग, फोटोग्राफी या मतलब जो भी हम किसी भी काम को ले लें, हमें उस काम को करने से पहले हमें उस चीज़ के पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें अपना कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है कि हम उस काम को करने में कितने परसेंट सक्षम हो चुके हैं और हमारा लेवल क्या है। तो ये सब कैसे होता है? प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। तो आज से हम यह संकल्प लेते हैं मतलब, और यह निश्चय करते हैं कि आज के बाद हम जो भी काम करेंगे, और काफ़ी सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो मतलब जो लोग हैं हो सकता है वो इस रूल को फॉलो भी करते हो प्रैक्टिस करने का मतलब, लेकिन जो इससे पहले इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दे पाए थे, तो आज मैंने उसके महत्व को बता ही दिया इस वीडियो के थ्रू कि आज के बाद हम जो भी कुछ काम करेंगे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे जब तक हम उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर लेते, हम अपने आप को अच्छे से कंपेरिजन नहीं कर लेते कि हम कितने परसेंट ओके है, और उसको करने के बाद ही हम
फिर जो एग्जैक्ट करना चाहिए उसको करेंगे। फिर अगर आपके एग्जाम हो रहा है तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर लीजिए प्रैक्टिस करके, देन आप अच्छे से उसका एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे मैंने शूट बताया, डांस बताया, सिंगिंग बताया, इन चीज़ों की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को आगे जाकर काम के रूप में आगे कर सकते हैं या प्रैक्टिस मतलब या अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा ये था वीडियो प्रैक्टिस के महत्व के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।